हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं वीवो आईपीएल 2019 के एलिमिनेटर मुकाबले के बारे में, जो खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाई एस रेड्डी राजशेखरा स्टेडियम के अंदर 8 मई को शाम के 7:30 बजे से। सबसे पहले मैं आके पिच रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो इस साल आईपीएल का वहां पे कोई भी मैच नहीं हुआ है, पर इस साल 2019 में जो T20 मैच हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, वहां पे काफी ज्यादा स्लो ट्रैक रहा था, पर इस बार ये बात चल रही है क्या पता इधर बैटिंग ट्रैक बनाया जाए। मेन बात ये कि कल वहां पे ह्यूमिडिटी 85% से ऊपर है, तो ड्यू गारंटी बहुत ज्यादा आने वाली है। सनी वेदर है तो पक्का से ड्यू आएगी, तो जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग करने का फैसला लेगी, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा इस ट्रैक के ऊपर। सबसे पहले बात करता हूं दिल्ली कैपिटल्स के बारे में, जो कि खुद को अनलकी मानेगी कि 18 पॉइंट्स होने के बाद भी उनको नंबर थर्ड पर रहना पड़ा। कुछ ऐसा आईपीएल गया कि मुंबई और चेन्नई की रन रेट बहुत ज्यादा ऊपर हो गई, पर दिल्ली की टीम कॉन्फिडेंस के साथ जरूर जाएगी क्योंकि बहुत अच्छा आईपीएल रहा उनका इस साल। मेन बात रही उनके 4 इंडियन बैटर्स पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत, चारों ने किसी ना किसी मैच में परफॉर्म किया है और टीम को वो जीत तक लेके गए, तो आई थिंक ये 4 टॉप ऑर्डर होना काफी अच्छी बात है उनके लिए। उनके लिए मेन दिक्कत की बात ये देखी कि कगिसो रबाडा, जो उनके सबसे अच्छे बॉलर थे इस सीजन, उनको प्रिकॉशनरी रीजंस की वजह से साउथ अफ्रीका ने वापस बुला लिया, तो उनको जरूर से वो मिस करेंगे, तो ट्रेंट बोल्ट के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। पिछले मैच में ईशान शर्मा और अमित मिश्रा ने दिखाया कि उनका एक्सपीरियंस कितना काम कर रहा है, और उन्होंने एक्सपीरियंस के बुलबुते पर राजस्थान रॉयल्स को बहुत दिक्कत दी और बहुत अच्छी बॉलिंग करी, तो आई थिंक जो ये कोर है इंडियन कोर वो काफी अच्छा है इनके पास, जो कि 4 इंडियन बैट्समैन और अमित मिश्रा और ईशान शर्मा, ये काफी अच्छे इंडियन कोर अभी भी इनके पास है, जो कि इनके लिए एडवांटेज है इतना अच्छा इंडियन कोर होना। फॉरेनर्स की बात करो, आई थिंक कॉलिन इंग्रम यूज नहीं हो रहे उस पोजीशन के ऊपर, पर फिर भी काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनको वापस से रिटेन किया जाएगा। पिछले मैच के अंदर उन्होंने संदीप लम्बी छन्ने को दिखाया कि वो उतना फेवर नहीं कर रहे हैं, दिल्ली के ट्रैक के ऊपर उन्होंने संदीप लम्बी छन्ने को नहीं खिलाया, तो आई डोंट थिंक इस ट्रैक के ऊपर भी संदीप लम्बी छन्ने खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, पर क्रिस मॉरिस का इस टीम में मैन ऑफ बनता है। पिछले मैच के अंदर उनको भले ही डेथ बॉलिंग की जरूरत नहीं पड़ी, पर इस मैच में अगर डेथ बॉलिंग की जरूरत पड़ती है तो आपको क्रिस मॉरिस की जरूरत पड़ने वाली है। ट्रेंट बोल्ट आपके स्टार्टिंग के ओवर्स के बॉलर हैं, पर एंड के अंदर जो हिट द डेक हार्ड बॉलर होते हैं वो आपके पास क्रिस मॉरिस है, तो आई थिंक क्रिस मॉरिस की जगह इस टीम के अंदर जरूर से बनती है। आई थिंक वो कीमा बॉल की जगह टीम में आनी चाहिए, तो क्रिस मॉरिस की जगह टीम में बनती है। बाकी काफी स्टेबल टीम है, तो आई गेस यही प्लेइंग होने वाली है कल हैदराबाद के खिलाफ। पृथ्वी शो ओपनिंग करेंगे शिखर धवन के साथ में, नंबर 3 के ऊपर श्रेयस अय्यर, नंबर 4 के ऊपर ऋषभ पंत, नंबर 5 के ऊपर कॉलिन इंग्राम, नंबर 6 पे क्रिस मॉरिस, नंबर 7 पे शर्फेन रदरफर्ड, नंबर 8 के ऊपर अक्षर पटेल, फिर अमित मिश्रा, ट्रेंट बोल्ट और ईशान शर्मा, तो आई गेस ये काफी स्टेबल प्लेइंग 11 है और दिल्ली जरूर से अच्छे कॉन्फिडेंस से जाएगी। जहां पर 2 स्पिन बॉलर्स हैं और 4 फास्ट बॉलर हैं, हालांकि शर्फेन रदरफर्ड इतनी बॉलिंग नहीं करते पर फिर भी आपको कुछ वो निकाल के दे सकते हैं, तो आई गेस दिल्ली की काफी अच्छी स्टेबल प्लेइंग 11 है ये, और दिल्ली आई थिंक इसी प्लेइंग के साथ जाएगा। अब मैं बात करता हूं सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में, जो खुद को काफी लकी मानेगी कि आखिरी के 2 में से 2 मुकाबले हारने के बाद भी वो किसी तरह से पहुंच गए आगे, तो ये काफी अच्छी बात है उनके लिए कि वो मुंबई से भी हारे, बैंगलोर से भी हारे, फिर भी पहुंच गए। उनके लिए मेन दिक्कत रही है इस बार उनका टीम कॉम्बिनेशन, वो टीम कॉम्बिनेशन से बैठा नहीं पा रहे, जब एक बैटिंग ऑप्शन ज्यादा लेने जाते हैं तो वो अभिषेक शर्मा को खिलाते हैं, जहां वो अच्छी ना बैटिंग कर पाते हैं ना अच्छी बॉलिंग कर पाते हैं। पिछले मैच के अंदर उन्होंने यूसुफ पठान को टीम में शामिल किया जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो आई गेस इस मैच के अंदर उनको 6 बैट्समैन और 5 बॉलर के फॉर्मूले के साथ जाना चाहिए। नंबर 7 के ऊपर राशिद खान एक बहुत अच्छा एसेट हो सकते हैं, सबसे अच्छी हिटिंग मेरे हिसाब से राशिद खान कर रहे हैं उनकी लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर, तो आई गेस ये प्लेइंग उनके लिए बेस्ट हो सकती है। मार्टिन कपटेल को चलना होगा, पिछले मैच में अच्छी स्टार्ट करने के बाद एक विकेट वो गिव अवे करके चले गए, तो आई थिंक उनको लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। केन विलियमसन का फॉर्म में आना काफी अच्छी बात है उनके लिए, और मनीष पांडे भी काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो आई थिंक केन विलियमसन, मार्टिन कपटेल और मनीष पांडे के ऊपर काफी ज्यादा रिलाय करती है ये टीम। रिद्धिमान साहा भी स्टार्ट में कैमियो अच्छा खेल रहे हैं, पर आई थिंक उनको बड़ी पारी खेलने की जरूरत है। विजय शंकर का परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा इस साल, स्टार्टिंग एक दो मैच में थोड़ा सा प्रॉमिस दिखाया पर उसके बाद से विजय शंकर परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, तो आई गेस इनको बैटिंग करने की जरूरत है। मोहम्मद नबी जरूर से काफी अच्छा एसेट रहे टीम के लिए। बॉलिंग की बात करूं तो राशिद खान एक अच्छा एसेट है, खलील अहमद ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया जब से वो टीम में आने लगे हैं, तो खलील अहमद का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, और आई गेस इसमें शहबाज नदीम को खेलने की जरूरत है ताकि आपके पास बॉलिंग ऑप्शन बढ़ जाए और आप जो मैं प्लेइंग 11 बताता हूं उसके साथ खेलने जा पाओ। ये प्लेइंग 11 हो सकती है हैदराबाद की, मार्टिन कपटेल ओपनिंग करे साहा के साथ में, नंबर 3 पे मनीष पांडे, नंबर 4 पे केन विलियमसन, नंबर 5
5 पे विजय शंकर, नंबर 6 पे मोहम्मद नबी, नंबर 7 पे राशिद खान, फिर भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, संदीप शर्मा और शाहबाज नदीम। तो आई गेस ये मेरी प्लेइंग 11 होगी जहाँ पे 3 फास्ट बॉलर हो जाएंगे और 3 स्पिनर हो जाएंगे। काफी स्टेबल प्लेइंग 11 हैदराबाद की, और आई थिंक हैदराबाद इस प्लेइंग 11 के साथ जाती है तो दिल्ली को जरूर से तंग कर सकती है बैटिंग के अंदर भी और बॉलिंग के अंदर भी, तो मुकाबला बहुत तगड़ा होने की संभावना है। आप मुझे ऊपर पोल में बताना कि आपको क्या लगता है कि इस मैच को कौन जीतने वाला। आई गेस दिल्ली खुद को अनलकी मान सकता है कि 18 पॉइंट के बाद भी उनको क्वालिफायर में जगह नहीं मिली और हैदराबाद 12 पॉइंट के बाद भी प्लेऑफ से पहुंच गया, तो दोनों टीमों के लिए बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी सीजन रहा है। आई थिंक डिजर्व दिल्ली का ना जीती हुई, बहुत अच्छा खेली है, हैदराबाद को अब तक उनका टीम कॉम्बिनेशन नहीं मिला है। दिल्ली काफी ज्यादा स्टेबल रही है, सिर्फ एक दो चेंजेस ही वो करती है ज्यादा से ज्यादा, उसके अलावा टीम काफी स्टेबल है। हैदराबाद का बैटिंग ऑर्डर भी उनको अच्छे से भी स्टेबल नहीं है और टीम में ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है जो कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहा हो, तो आई थिंक मैच काफी अच्छा होने वाला है और मुझे उम्मीद है एलिमिनेटर मुकाबला बहुत तगड़ा होने की संभावना है। मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो को पसंद जरूर से आई होगी, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करना चलो इस तरह की वीडियो देखने के लिए। हमारे देखा बहुत बहुत थैंक यू, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।